दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके अंदर अपने देश की सेवा करने का जुनून कूट कूट कर भरा था, पर उसे मौका नहीं दिया जाता क्योंकि वो बेकार थी, किसी काम की नहीं थी। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रेड नाम की फोर्स के एक सिपाही को जो अंधाधुन गोलियां चला रहा है और लोगों को घड़ाघड़ मारे जा रहा है, जिसकी शक्ल देखकर वो लोग उस पर हंसने लगते हैं, पर ये नहीं जानते थे कि वो बहुत खतरनाक है। नाम है बेकार। तभी अचानक से ना जाने क्या होता है कि उसका हाथ अपने आप हिलने लगता है क्योंकि वो सपने ले रही थी और उसका मंगेतर एडवर्ड उसे उठा रहा था कि तेरा अलार्म बज रहा है, बंद कर दे। जिसको बंद करके वो बेड से उतरकर नीचे जाने लगती है तो एडवर्ड पूछता है, अभी 5 बजे हैं, कहाँ जा रही है तू? वो कहती है, मेरी मांसपेशियों में ताकत की थोड़ी सी कमी है जो मुझे पूरी करनी है, और पुशअप्स मारने लगती है। और इसके बाद नहा धोकर वो तैयार हो जाती है और नाश्ते के टाइम भी एक्सरसाइज ही कर रही होती है, जिसमें उसके हाथ से अक्सर चीजें टूटती फूटती रहती थी। एडवर्ड कहता है, यार बस करना, तू शादी के टाइम क्या मैं किसी मर्द से शादी करूंगा? मुझे एक महिला चाहिए तो महिला बनी रहना यार, क्यों तू मर्द बनने का ट्राई कर रही है? बेकार पूछती है, तू क्या चाहता है, भड़वे में मेकअप पे मेकअप करूं? तू चाहता है कि मैं लड़की बनी रहूं तो मुझे लड़कियों वाले सारे गुण आते हैं? और उसे अजीब अजीब सी शक्ल बनाकर दिखाती है। फिर टेबल पर बैठकर जब वो बात कर रहे थे तब एडवर्ड कहता है, तू स्पेशल यूनिट रेड में शामिल होने की जिद छोड़ भी दे यार, क्योंकि तू उनको 2 बार एप्लीकेशन भेज चुकी है पर उन्होंने तुझे रिजेक्ट कर दिया। वहां लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है और वैसे भी तू कमजोर है, वो तुझे नहीं लेंगे। बेका कहती है, ज्यादा ज्ञान का भंडारी मत बन, जो कर रहा है वो चुपचाप कर ले, मुझे पता है मैं रेड में घुस के रहूंगी, मुझे ये महसूस हो रहा है। और अपनी वर्दी पहनकर पुलिस के काम पर पहुंचती है। थाने में हम देखते हैं कि उसके आते ही सभी वहां से तितर बितर हो जाते हैं क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, सबको पता था कि वो हलकट है। आगे किसी के कॉल करने पर वो अपनी साइकिल लेकर वहां पहुंचती है और उसे लोक लगा देती है। फिर वहां खड़े एक बूढ़े से मिलती है और पूछती है, ताऊ बता के परेशानी हो रही है? वो कहता है, इस गाड़ी को यहां से हटवाओ, रास्ते में लगी है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। बेका कहती है, दादा थोड़ी सी ठावस रख ले, इसमें बम भी हो सकता है। और ना जाने कहां से बेबी पाउडर लाकर उस अनजान गाड़ी की खिड़की छिड़क कर ब्रश से साफ करते हुए कहती है, देखा यहाँ पर फिंगरप्रिंट है। इधर वहीं थोड़ी सी दूरी पर एक बैंक में कुछ लुटेरे चोरी करने के लिए बैंक में घुस जाते हैं और लोगों के साथ मारपीट करके पैसे उड़ाने लगते हैं। बेकार के पास वो आदमी दौड़ता हुआ आता है जिसकी ये कार थी, कहता है, गलती से खड़ी कर दी थी मैंने यहाँ पर, जिसको वो गाड़ी पर पटक कर मारती है। और फिर इतने में ही उसके वॉकी टॉकी पर खबर आती है कि भीहिन की लिंडी, बैंक में चोरी हो रही है, फटाफट पहुंच। जो बेवकूफों की तरह अपनी साइकिल का बिना लॉक खोले ही दौड़ने लगती है और मुंह के बल गिरती है। फिर तुरंत खड़ी होती है और साइकिल का लॉक खोलने की बजाय उसे उठाकर भागने लगती है, पर जब बात नहीं बनती तो उसे फेंक के मारती है और बैंक की तरफ दौड़ती है, जिस बैंक से लुटेरों ने लूटपाट कर ली थी और वो पैसों को उठाकर अपनी वैन में लोड कर रहे थे। जिनसे बेका कहती है, जल्दी से पैसों को लोड करो, बैंक में लूटपाट हो रही है। यहां तक कि उनमें से एक का थैला गिर जाता है तो वो उसे उठाकर वापस वैन में फेंक देती है। बैंक मैनेजर उसको रोकने आता है तो वो उसे कोहनी मारकर गिरा देती है कि भीचड़ी के बकचोदी ना कर, और बंदूक तान कर कहती है, हिलना मत वरना ठोक दूंगी। इसके बाद हम बैंक में देखते हैं जो बैंक मैनेजर से कहती है, अरे यार माफ कर दे, मैंने तुझे कोहनी पिला दी। फिर तभी बेका का पैर लुटेरों की बंदूक पर पड़ता है तो पूछती है, ये बंदूक किसकी है? मैनेजर बताता है, लुटेरों की है और किसकी है। वो कहती है, यार बड़े शौकिया लोग थे, वो नई नई पिस्तौलें रखते हैं, गजब। और उसे बिना छुए एक प्लास्टिक बैग में डालने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो गिर जाती है तो बेका उसे हाथ से उठाकर पन्नी से साफ करके पन्नी में डालती है, जिस दौरान उससे गलती से गोली चल जाती है तो कहती है, सतर्क रहो, सावधान रहो, क्योंकि बंदूक लोड है। इसके बाद उसे थाने में कैप्टन मिलने के लिए बुलाता है और बताता है, ये तेंदुआ ग्रुप का काम था जिनकी पहचान हो चुकी है, हमें बंदूक पर उनकी उंगलियों के निशान भी मिले हैं, क्या तुम उन्हें जानती हो? क्या तुम उन लुटेरों में से एक का स्केच देखना चाहती हो? और उसके सामने शीशा रख देता है कि देख ये है उनमें से एक लुटेरा। वो कहती है, अरे सर शीशा क्यों दिखा रहे हो, बेइज्जती मार रहे हो, मेरे को पता है मेरे को अपनी आईब्रो बनवानी है। कैप्टन कहता है, अबे साली गिंडवी, तेरा डीएनए बैंक में हर तरफ फैला हुआ था और तेरे फिंगरप्रिंट भी, ऊपर से तूने उन लोगों की भागने में भी मदद की, इसीलिए मैं तुझे सस्पेंड कर रहा हूं। जहां से निकल कर वो गुस्से में बॉक्सिंग करने पहुंचती है और अपना सारा गुस्सा कोच पर निकालती है, जो उससे कहता है, तू मुझे कूटने से स्पेशल यूनिट रेड में शामिल नहीं हो सकती, तुझे अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, अपने आप को कूल रखना होगा। आगे वो अपने मंगेतर और उसकी फैमिली के साथ डिनर करने जाती है, जहां उसका मंगेतर एडवर्ड कहता है, देख पुलिस वालों ने तुझे निकाल दिया, स्पेशल यूनिट रेड वाले तुझे ले नहीं रहे, अब बता अब क्या करेगी तू? देख फ्रेंच आर्मी में भर्ती होने का तो बिल्कुल सोचना भी मत। और फिर इतने में ही वहां बेकार के पिताजी का आना होता है जो देश का गृह मंत्री है, कहता है,
तेंदुआ गैंग का ये दूसरा हमला था जो हमारे देश को अंदर से खोखला कर रही है और हमारी फोर्स ना जाने क्या करने में लगी हुई है। बेका की होने वाली सासू माँ कहती है, मैंने सुना है कि पुलिस वालों ने तेंदुआ गैंग की पैसे चुराने में मदद की थी, जो सुनकर वो अपना शर्म से मुंह छुपा लेती है। अब बेका का पिता अच्छे से जानता था कि रेड में भर्ती होने का उसकी बेटी का बहुत बड़ा सपना है जिसका वो कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए उसके सपने को धूल चटाने के लिए वो रेड के ऑफिस पहुँचता है और कमांडर से मिलता है, जो उसकी फाइल देखता है तो पाता है कि उसे हर जगह 0 ही 0 मिला हुआ है। 100 में से उसे सिर्फ 35 नंबर ही मिले हैं। वो रेड में भर्ती होने के काबिल ही नहीं है। इसलिए कहता है, देखिए गृह मंत्री जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि ये फाइल बहुत बुरी है। हर जगह उसे 0 ही 0 मिला है। मेरे द्वारा अब तक देखी गई ये सबसे बुरी फाइल है। मुझे तो ये भी शक हो रहा है कि वो पुलिस में भर्ती कैसे हो गई। गृह मंत्री कहता है, देखो वो मेरी बेटी है, तुम उसे अपनी स्पेशल फोर्स में ले लो और उससे कड़ी से कड़ी मेहनत करवाओ कि रेड का नाम सुनते ही उसे उल्टी आ जाए और फिर उसे निकाल दो। कमांडर कहता है, लेकिन सर हम ऐसा नहीं कर सकते। गृह मंत्री कहता है, देख मैं यहाँ से वापस जाते ही तेरी फोर्स के बजट बढ़ाने वाली एप्लीकेशन को मंजूरी देने वाला था, लेकिन अब लग रहा है कि मंजूरी मुश्किल से ही मिलेगी। कमांडर पूछता है, सर क्या आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? वो कहता है, अरे यार तू नाटक मत कर, समझाना। कमांडर कहता है, सर आप इसे नाटक लगा लो या कुछ भी लगा लो, मैं आपकी बेटी को रेड में नहीं ले सकता। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो अपने एक चुटकुल चाटुकर नाम के बेकार जवान को, जो कि बूढ़ा हो चुका है और गलतियों का पुतला है, उसे नए रिक्रूट होने वाले जवानों का इंचार्ज बना देता है। वो कहता है, सर मेरे लिए ये गर्व की बात होगी, और फिर से अपनी एक्सरसाइज करने में लग जाता है, जिसमें जब वो रस्सी चढ़ रहा था तो साली रस्सी टूट जाती है और उसके साथ अक्सर ऐसा ही होता है जिसमें वो दीवार से भी टकरा जाता है। इधर घर पर ट्रेनिंग के लिए जब बेकार रेड वालों की वीडियो देख रही थी, तभी वहां उसका मंगेतर एडवर्ड सैंपेन लेकर आता है और उसे लेटर देते हुए कहता है कि रेड वालों ने तुझे अंदर ले लिया, तू अब से उनकी टीम का हिस्सा है, कल से तेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जिस पर वो खुशी से उछल पड़ती है, बावली सी हो जाती है क्योंकि बचपन का सपना जो पूरा हो रहा था। अगले दिन एडवर्ड उसे रेड वालों के सेंटर छोड़ने जाता है, जहां वो उसे एक बैग में बहुत सारी क्रीम, लोशन और मेकअप का सामान देता है। कहता है, इनका यूज करती रहना वरना तू महिला से कम मर्द बन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। वो कहती है, थैंक यू यार मुझे मेरा सपना पूरा करने देने के लिए, और बाकी रिक्रूट के साथ चुटकुल चाटुकर से मिलती है, जो उसे देखता है तो कहता है, बढ़िया, ये बढ़िया हुआ, हमें एक लड़की की जरूरत थी जो हमारा खाना पानी और हमारी देखभाल कर सके, बेड की चादरें वगैरह बदल सके। वो कहती है, मैं एक महिला हूँ तो साफ सफाई वाली हूँ, नहीं मैं यहाँ रेड में भर्ती होने के लिए आई हूँ। ये सुनकर इंचार्ज चुटकुल चाटुकर सन्न रह जाता है और उसकी फाइल निकालता है, जिसमें एक भी पेपर नहीं था, बस नीचे कमांडर की एक छोटी सी चिट लगी हुई थी कि ये फाइल मिलते ही मेरे पास कॉल करना, जो उसे मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है, जिनसे चुटकुल कहता है, सर हम महिलाओं पर भरोसा नहीं कर सकते, कोई भी उसके साथ काम करके अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, आप अच्छे से जानते हो महिलाएं वजन उठाने के लिए नहीं बनी, जब उसे भारी भारी 40-50 किलो का पिट्ठू उठाना पड़ेगा तो उसकी कांच निकल जाएगी और फिर हमें ही उसे उठा कर ले जाना पड़ेगा। कमांडर कहता है, ज्यादा चूचापाट मत कर, पहले वो ट्रेनिंग लेगी और बाद का हम बाद में देख लेंगे। चुटकुल कहता है, सर औरतें खतरा नहीं झेल सकती, वो चिल्लाती है तुरंत ही डर जाती है और तुरंत ही रोने लगती है, कभी उनके नाखून टूट जाते हैं तो कभी उनके बाल फंस जाते हैं, बिना मेकअप के वो किसी से बात नहीं करती। कमांडर कहता है, जो भी हो अब से हमारी यूनिट में एक महिला भी होगी। चुटकुल कहता है, नहीं सर आप समझ क्यों नहीं रहे, थोड़ा सा डरते ही उनका मूत निकल जाता है और मूतने के लिए हमारे जंप सूट में चैन भी नहीं होती, बताओ वो कहां जाएंगी मूतने, लड़कियों से स्कूटी तो अच्छे से चलती नहीं है, कार की बात तो बहुत दूर की है, और आपने हमारे ट्रक देखे हैं, उनको वो कैसे चलाएगी, गींद फट के हाथ में आ जाएगी। कमांडर कहता है, मुझे अच्छे से पता है तू महिलाओं से नफरत करता है, जब से तेरी बीवी तेरे भाई के साथ भाग कर गई है। वो कहता है, नहीं सर मैं महिलाओं से नफरत नहीं करता, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक वो अपनी किचन में या बेडरूम में ना हो। सर समझा कीजिए, महिलाएं नाजुक होती हैं, वो घायल जानवर की तरह होती है, एक छोटे पक्षी की तरह होती है, जिन्हें हर वक्त देखभाल की जरूरत होती है, इसीलिए आप रहने दीजिए। कमांडर कहता है, अबे घोचू तूने उसकी फाइल देखी भी है? मैंने देखी है, बहुत बड़ी खिलाड़न है वो, हर चीज में बहुत अव्वल है और हमारी यूनिट के लिए बिल्कुल परफेक्ट भी है वो। चुटकुल कहता है, ठीक है सर आपने अपना मन बना लिया है तो मैं भी आपको चेतावनी देता हूँ कि पहला मौका मिलते ही साली की गींड पर लात मारकर यहाँ से निकाल दूंगा, और नए रिक्रूट से बात करने पहुँचता है। कहता है, भाइयों, और इससे पहले कि आगे कुछ बोलता, बात काटते हुए बेका कहती है, सर बहनों भी तो बोलो, बहनों। वो कहता है, हाँ हाँ ठीक है बहनों, मैं तुम्हारा ट्रेनिंग लीडर हूँ और पिछले 12 सालों से रेड को अपनी सर्विस दे रहा हूँ, और बताता है सभी के बेडरूम में 4 बेड हैं, इसीलिए 4-4 का ग्रुप बना लो, जिस पर उन सभी को बेका की चाहिए थी, इसीलिए वो ग्रुप बनाने की बजाय उसके साथ झुंड में खड़े हो जाते हैं। चुटकुल उन्हें 2-4 गालियां बककर कहता है कि अबे लॉर्ड वो 4-4 का ग्रुप बनाना है, पर ये बात अभी भी उन्हें समझ में नहीं आती क्योंकि अभी भी 6-7 लोग बेका के साथ ही चिपके हुए थे। खैर काफी देर मत्था पच्ची करने के बाद चुटकुल उनके 4-4 के ग्रुप बनवा ही देता है और उन्हें जंप सूट पहनकर नीचे आने के लिए बोलता है। रूम में हम देखते हैं बेका के साथ जो 3 लड़के थे वो उस पर लट्टू हो चुके थे, उस पर लाइन मार रहे थे कि हम में से किसी एक को तो वो दे ही देगी। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू
शुरू होती है जिसमें उनको दीवार पर चढ़ने के लिए बोला जाता है। बाकी सभी तो काफी अच्छे से चढ़ रहे थे पर बैका बेकार की फटी हुई थी क्योंकि वो सच में बेकार थी। अब कमांडर को किसी भी तरह से अपना बढ़ाया हुआ बजट पास करवाना था, इसीलिए वो चुटकुल के मुड़ते ही उसकी रस्सी खींचकर ऊपर चढ़ने में मदद करता है जिस कारण से बैका बाकियों के मुकाबले बहुत जल्दी ऊपर चढ़ जाती है। फिर बारी आती है गन ट्रेनिंग की जिसमें उनसे निशाने लगवाए जाते हैं पर बैका बेकार का एक भी निशाना निशाने पर नहीं लगता क्योंकि वो नीचे की गोलियों पर गोलियां मार रही थी। चुटकुल कहता है, देखा सर, सारे निशाने गलत लगाए हैं उसने, मैं अभी के अभी उसे अपनी टीम से निकालता हूँ। कमांडर कहता है, अबे निशाने गलत कैसे लगाए हैं उसने बताना जरा, दुश्मन को ढेर कर तो दिया, ढेर ही तो करना होता है हमें दुश्मन, फिर चाहे गोली कहीं भी लगे। चुटकुल कहता है, सर हमें निशाना निशाने पर लगाना होता है, टट्टों पर नहीं। लेकिन कमांडर उसकी नहीं सुनता। आगे बारी आती है रस्सी पर लटक कर ऊपर चढ़ने की जो बैका से तनिक भी नहीं हो पाता, पर जब वो अपना पूरा जोर लगाकर कोशिश करती है तो सक्सेस उसे मिल जाती है। चुटकुल कहता है, बस कर तू पहुंच गई ऊपर, नीचे उतर जा अब, क्योंकि वो पूरा जोर लगाकर 2 फीट भी नहीं चढ़ पाई थी। इसके बाद सुबह सुबह उनसे दौड़ लगवाई जाती है जिसमें वो अव्वल आती है, पर फिर भी चुटकुल का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो अपने फेस पर मुल्तानी मिट्टी लगाकर दौड़ रही थी और पूछने पर बताती है कि इसको धोने का टाइम नहीं मिला क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम हो गया था। इसके बाद नीचे पानी में सांस रोकने की ट्रेनिंग होती है पर वो सांस ही भूल जाती है जिस वजह से उसको बचाने के लिए सिपाहियों को वापस पानी में उतरना पड़ता है, जिससे वो समझ जाती है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इसीलिए वो सुबह शाम अकेली ही प्रैक्टिस करने में लग जाती है और धीरे धीरे करके अपनी काबिलियत को बढ़ाती हुई चली जाती है, लेकिन रहती अभी भी हलकट ही है। फिर बारी आती है मुक्केबाजी की जिसमें लड़की समझकर ये कालिया कुछ देर तो उससे पिटता रहता है, पर जब पानी टट्टों से ऊपर चला जाता है तो वो उसे एक ही घुसंड में लंबा लौटा देता है। एक दिन इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है जिसके अंदर कुछ लोग राष्ट्रपति को अगवा करने की कोशिश करते हैं जिस मिशन में बैका को नहीं ले जाया जाता क्योंकि वो अभी तक तैयार नहीं हुई थी। तभी उसके पास उसके पिता का मैसेज आता है जो उससे पूछता है, तू कहाँ है, तू ठीक तो है ना, क्योंकि उन्हें अपनी इकलौती बेटी की बहुत फिक्र हो रही थी, वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसे बेमौत मारी जाए। इसीलिए वो अगले दिन कमांडर को अपने ऑफिस बुलाता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है, जो उन्हें बताते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रही है और ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में वो टीम में शामिल हो सकती है। गृह मंत्री कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे तेरी टीम में नहीं घुसने दूंगा, उसे जितना जल्दी हो सके निकाल दे, उसे थका दे, हरा दे, उसका मन बदल दे और फिर गेंद पर लात मार दे। कमांडर कहता है, ठीक है सर, मैं समझ गया। इधर कमांडर के कहने पर चुटकुल बैका को राष्ट्रपति का अंगरक्षक बनाकर राष्ट्रपति भवन लेकर पहुंचता है, जो जैसे ही उनको आते हुए देखती है तो चिल्लाकर कहती है, सारे सावधान हो जाओ, और दौड़कर उनके पास जाती है। कहती है, सर हमने आपकी सुरक्षा बढ़ा दी है। जिनके बाहर निकलने से पहले वो इधर उधर झूठ मूठ में ताक झाक करती है, फिर बिना मतलब में ही राष्ट्रपति की गुद्दी पकड़कर उन्हें दौड़ाती हुई कार तक लेकर जाती है और बिना देखे ही अंदर धक्का दे देती है जिसमें उनका सर कार से टकरा जाता है और खून भी बहने लगता है। आगे टीम को कुछ स्लीपर सेल पर नजर रखने के लिए बोला जाता है जिस मिशन में चुटकुल उसे बिल्कुल नहीं ले जाना चाहता था, इसीलिए कमांडर से कहता है, सर उसने राष्ट्रपति के साथ जो किया उसे देखकर हम बैका को फील्ड में नहीं ले जा सकते, वो बहुत खतरनाक है, उल्टी सीधी हरकत करती रहती है। कमांडर कहता है, नहीं वो फील्ड में नहीं जाएगी, बस तुम उसे अपनी नजर रखने वाली वैन में रखना ताकि वो बोर हो जाए। लेकिन अजी मेरा घंटा, इस तरह की लड़की भला बोर कैसे हो सकती है, जो वहाँ रिकॉर्ड होती आवाजों को देखकर उल्टी सीधी हरकत करने लग जाती है कि देखो ये ग्राफ कितना ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी उन हरकतों से वहाँ खड़े ऑपरेटर की और चुटकुल चाटुकर की आंखें खुल जाती है कि साली बड़ी पागल इंसान है। तभी जिन पर वो नजर रखे हुए थे उनमें से एक बंदा पिज्जा वालों को कॉल करता है जो यहाँ वैन में ट्रांसफर हो जाती है, जिनको वो बड़े ही बेवकूफ तरीके से हैंडल करते हुए कहती है कि हमारे पास पनीर पिज्जा है, अनियन पिज्जा है, कैप्सिकम है, फार्म हाउस है, बताइए कौन सा चाहिए। अब उन लोगों से बात बैका ने की थी इसीलिए उसे ही पिज्जा डिलीवरी वाली बनकर वहां जाना पड़ता, जिसके पीछे पीछे पूरी टीम जा रही थी। स्लीपर सेल दरवाजा खोलते हैं, उससे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते बैका उन पर टूट पड़ती है, उन्हें फेंक फेंक कर मारती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि हाँ वो कुछ हद तक रेड में शामिल होने के लिए तैयार हो चुकी है। फिर पूरी टीम द्वारा उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस मिशन के सक्सेस होने से देश की सेवा करने से उसे अपने आप पर बहुत नाज होता है। आगे गृह मंत्री कमांडर को फिर से अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है, तूने मेरी बेटी को पिज्जा गर्ल बनाकर उन दरिंदों के पास भेज दिया, उसे इतने बड़े खतरे में डाल दिया, तू जानता भी है उसकी जान जा सकती थी, मैंने तुझे उसे रुलाने के लिए कहा था, ठुकवाने के लिए नहीं, ये नहीं कहा था कि उसके प्राण पखेरु उड़वा दे, जिसके चलते तेरी बजट बढ़ाने वाली एप्लीकेशन को मैं रद्द करता हूँ, और सुन एक हफ्ते के अंदर मेरी बेटी को रेड से निकाल दे, वरना साले मैं तेरा करियर खा जाऊंगा और तेरा तबादला ऐसे छोटे इलाके में कर दूंगा जहां तू मच्छर मारेगा। जिस पर कमांडर का उसे गाली देने का बहुत मन करता है पर वो अपनी जुबान पर लगाम लगा लेता है। आगे कुछ दिनों बाद 16 लोगों में से 5 लोगों को स्पेशल यूनिट रेड में शामिल किया जाना था, जिनमें से एक नाम बैका का भी था, जिसको चुटकुल बिल्कुल भी अपनी टीम में नहीं लेना चाहता था, पर क्या करे, उसका काम सिर्फ ऑर्डर मानने का था। जो खबर जब गृह मंत्री तक पहुंचती है तो वो कमांडर पर भड़क पड़ता है, कहता है, साले तू मेरी बेटी के साथ साथ देश के भविष्य को भी खतरे में डाल रहा है उसे टीम में लेकर। कमांडर कहता है, नहीं नहीं सर, मैं किसी को खतरे में
में नहीं डाल रहा। आपकी बेटी में टैलेंट था, इसीलिए मैंने उसे टीम में ले लिया। और आप जो फुदक रहे थे ना, अब आपकी फुदकाट खत्म हो जाएगी। मंत्रियों को भी तो पता चलना चाहिए जब देश के लिए अपनों का खून बहता है तो कैसा महसूस होता है। मंत्री साले आते जाते रहते हैं पर देश वही रहता है, इसीलिए जो सही होगा मैं वही करूंगा। बहुत सुन ली तेरी और कॉल काट देता है। जिसके बाद सब कुछ सच बताने के लिए गृह मंत्री अपनी बेटी से मिलने घर पहुंचता है और उसे सब कुछ खोल कर बता देता है कि मेरे कहने पर ही तुझसे ट्रेनिंग करवाई गई और मेरे कहने से ही तुझे स्पेशल यूनिट रेड में लिया गया, जिसके तू बिल्कुल भी काबिल नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके रिजाइन दे दे, तू इसके काबिल नहीं है। जिस सबसे बैका का दिल टूट जाता है और वो अपने आप को साबित करने का बोलकर वहां से चली जाती है, जिसमें टीम को तेंदुआ गैंग को पकड़ना था जिन्होंने नीलामी घर के अंदर लोगों को बंधक बना रखा था, जिस नीलामी घर में सिर्फ सुरंग के जरिए ही घुसने का रास्ता था। कमांडर चुटकुल से कहता है हम बैका को साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए तू कुछ भी बहाना करके उसे इससे बाहर कर दे। जो उससे कहता है ये जैकेट पकड़ और वहां नुक्कड़ पर बने एक कैफे में जाकर अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर कर, क्योंकि हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे। जिस पर बैका गुस्से में उस कैफे में जाती है जहां लगे टीवी पर तेंदुआ गैंग को पकड़ने की पल पल की रिपोर्ट चल रही थी। बैका के बगल में एक आदमी बैठा था जिसका नाम था विक्टर, जो उसे अपने आप को किसी फलाना ढिमका फोर्स का खुफिया एजेंट बताता है क्योंकि उसने बैका के कपड़ों पर रेड लिखा हुआ देख लिया था। पूछता है ये बता तेरी टीम वहां खिड़की के जरिए अंदर जाएगी या फिर कोई और रास्ते से। बैका जो बेवकूफ थी उसे बता देती है कि वो लोग मेरे बिना ही सुरंग के जरिए अंदर जाने वाले हैं तेंदुआ गैंग का खेल खल्लास करने के लिए। जिस बात को मौका मिलते ही विक्टर मैसेज करके नीलामी घर में घुसे अपने साथियों को बता देता है कि वो सुरंग के जरिए आने वाले हैं, सावधान हो जाओ। जिसमें रेड के जवानों के वहां पहुंचते ही तेंदुआ गैंग उन लोगों पर अंधाधुन हमला कर देते हैं, जिस हमले में रेड के दो जवान बुरे तरीके से घायल हो जाते हैं और मिशन फेल हो जाता है क्योंकि तेंदुआ गैंग के लोग वहां से फरार होने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और अब रेड टीम को पता चल जाता है कि तेंदुआ गैंग के लोग कहां छुपे हुए हैं। जिस मिशन में उन्हें सभी जवानों की जरूरत थी इसीलिए वो बेका को भी अपने साथ ले जाते हैं, जो गन जाम होने की वजह से अपने एक साथी की जान बचाती है और तीन लोगों को वहां से गिरफ्तार किया जाता है। इस मिशन की सक्सेस को देखकर और बेका की काबिलियत देखकर आज पहली बार चुटकुल उससे प्रभावित हुआ था, जिसके चलते जब पूरी टीम डिनर कर रही थी तब चुटकुल अपने बुरे व्यवहार के लिए उससे माफी मांगता है। कहता है मुझे नहीं पता था कि तू कठोर है, जिद्दी है, असली खच्चर की तरह मजबूत है। वो कहती है थैंक यू। आगे एक दिन जब शहर के बैंक से बहुत सारा सोना कहीं दूसरी जगह ले जाया जाना था तब रेड यूनिट को उसकी सुरक्षा में भेजा जाता है और उसी दिन देश का राष्ट्रपति काफी सारे देश के मंत्रियों के साथ मीटिंग करने वाला था जिसमें आतिशबाजी भी होनी थी, जिस सब में किसी को भी कुछ भी अटपटा नहीं लगता सिवाय बैका को छोड़कर। वो समझ जाती है कि तेंदुआ गैंग अब तक चोरी चकारी इसलिए कर रही थी ताकि रेड यूनिट को भटकाया जा सके, उन्हें सोने के पीछे भेज दिया जाए और तेंदुआ गैंग राष्ट्रपति के साथ साथ मीटिंग में आए सभी मंत्रियों को मार दे, जिससे देश का नाम खराब होगा और तख्ता पलट भी हो जाएगा। ये बात जाकर वो कमांडर को बताती है पर कमांडर को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। कहता है तुम्हें सोने की रक्षा के लिए जाना था तो तुम वहीं जाओगी, लेकिन बैका उसके आदेशों का उल्लंघन करके अकेली ही उस तरफ निकल पड़ती है जहां मीटिंग होनी थी। ये बात फोन करके वो अपने पिता को भी बताती है पर पिता को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता, जिस वजह से वो मीटिंग के दौरान ही अंदर घुस आती है और गोली चलाकर सभी को वहां से भाग जाने के लिए बोलती है। अब गोली चली नहीं कि मंत्रियों की फटी नहीं, जिसमें वो फटाफट अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल लेते हैं। इधर बाहर विक्टर जो तेंदुआ गैंग का मेंबर था वो आतिशबाजी के साथ साथ उस महल पर भी हमला कर देता है जिसमें मीटिंग हो रही थी, पर उसे ये नहीं पता था कि सारे मंत्री वहां से जा चुके हैं, अगर कोई बचा है तो सिर्फ मुफ्त का खाना खाने आए लोग। कुछ ही देर में रेड की पूरी टीम भी वहां पहुंच जाती है और अंदर फंसे लोगों को बचाने की मुहिम में लग जाती है, जिस दौरान बैका की मुलाकात एक बार फिर से विक्टर से हो जाती है जो अंदर राष्ट्रपति की लाश ढूंढने आया था। खैर थोड़ी बहुत देर वहां लड़ाइयां होती है, गोलियां चलती है जिसमें तेंदुआ गैंग को साफ कर दिया जाता है और विक्टर भी छत गिरने की वजह से मारा जाता है। इसके बाद दिन आ जाता है जवानों को सम्मानित किए जाने का, जिसमें राष्ट्रपति बहादुरी का पुरस्कार देने के लिए बैका को ऊपर बुलाता है, जिसका ठोकर लगने की वजह से बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो राष्ट्रपति पर जा गिरती है और राष्ट्रपति स्टेज से नीचे जा गिरता है, जो देखकर वहां आए लोग मन ही मन कहते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्रपति को खड़ा किया जाता है जो अब बैका से डरने लगा था तो उसे दूर से ही सम्मानित करके वहां से कट लेता है। फिर बैका एडवर्ड से अपनी सगाई तोड़ देती है और चुटकुल चाटुकर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।